हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। विथेनिया सोमनीफेरा जिसको अश्वगंधा कहा जाता है, अश्वगंधा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये खासकर इंडिया में ज़्यादातर ये पाई जाती है। इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसकी खेती जो होती है, ज़्यादा देखी जाती है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसकी जो फैमिली है, यानी कि जब फैमिली की बात करेंगे, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि इसकी जो फैमिली जहाँ से बिलोंग करती है वो है सोलेनेसी। इसके मुख्यतः जो इसकी मेडिसिन पर्पज के लिए इसको जो पार्ट यूज किए जाते हैं वो है इसके रूट्स, इसकी जड़ें और इसके फ्रूट्स, इसकी फल, दो मेडिसिनल पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी जो रूट्स होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं, उसका जो स्मेल होता है वो हॉर्स की तरह, यानी कि घोड़ों की तरह ये महकता है। इसलिए इसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पे है अश्वगंधा, यानी कि अश्व की तरह गंध करने वाली, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा कहा जाता है इसको। होम्योपैथी में इसको वृत्सम भी कहते हैं। जब होम्योपैथी की बात आती है, होम्योपैथी में कुछ क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें इसकी अहम भूमिका है, वहां पे इसे काफी इसकी ज्यादा इफेक्ट देखी है। जैसे पहला जो कंडीशन है मेंटल वीकनेस की कंडीशन में, यानी कि मानसिक कमजोरी, कुछ चीज को कंप्रिहेंस यानी कि तुलना नहीं कर पाना, किसी चीज को रीजनिंग नहीं कर पाना, किसी चीज को समझ नहीं पाना, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना, यानी कि मेंटल वीकनेस। इसमें याददाश्त भी आती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज याद नहीं रहती है, वो धीरे धीरे भूलते जाते हैं, उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा जो कंडीशन है एस्पर्मेटोरिया एक ऐसा कंडीशन, इसमें क्या होता है कि स्पर्म बाहर निकल जाता है विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के भी स्पर्म बाहर आ जाता है। कॉमनली ये कंडीशन देखा जाता है नाइट फॉल, यानी कि जो खासकर यंग लोग में नाइट फॉल की समस्या कॉमनली देखी जाती है। नाइट फॉल की दो वेराइटी है, पहला जो होता है उसमें ड्रीम के साथ नाइट फॉल होता है, यानी कि स्वप्न के साथ इजैकुलेशन हो जाता है। दूसरा एक ऐसा भी कंडीशन है जिसमें स्वप्न नहीं आता, ड्रीम नहीं आता, लेकिन इजैकुलेशन हो जाता है, यही कंडीशन एस्पर्मेटोरिया। उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये, क्योंकि नाइट फॉल के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में डेवलप होते हैं। सबसे जो मेन वहां पे डेवलप होता है वो उसकी वीकनेस, उस वीकनेस को खत्म करने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तीसरी कंडीशन है इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता, इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल फंक्शन, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने में उनकी एबिलिटी नहीं होती है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है। चौथी जो कंडीशन है ये है मेंसुरल डिसऑर्डर, यानी कि महिलाओं में अगर मासिक धर्म से रिलेटेड किसी तरह की अगर प्रॉब्लम वहां पे होती है, उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर मेंसुरल डिसऑर्डर में, मेंस से रिलेटेड किसी भी तरह के डिसऑर्डर में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन यहाँ पे देखी जाती है। ये चार ऐसे क्लिनिकल कंडीशन है जो क्लिनिक्स में बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, उनमें अगर ये मेडिसिन दी जाती है वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें। ये थे क्लिनिकल कंडीशन। अब जानते हैं सिम्टम इसके क्या क्या इसमें मिलते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको मेंटल टॉनिक भी बोला जाता है। टॉनिक यानी कि समझ सकते हैं वैसा चीज जो आपको आपके फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मेंटल टॉनिक बोला जाता है इसको, वित्सम को, अश्वगंधा को। कोई भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होता है, जो विद्यार्थी होते हैं कुछ ही पढ़ते हैं लेकिन उसको वो तुलनात्मक ढंग से उसको नहीं पढ़ पाते, उसको समझ लेते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते, ज्ञान उनके अंदर पूरा भरा रहता है लेकिन उसको बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें याद नहीं रहता, यानी आज पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं। ऐसे कंडीशन में मेंटल टॉनिक रूप में इसका बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है, यानी कि मेंटल टॉनिक के रूप में अगर इसका विक्सम का अगर उपयोग किया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। दूसरी जो कंडीशन देखने को मिलती है वो है सेमिनल एमिशन। मैंने पहले ही बात की एस्पर्मेटोरिया की कंडीशन, यानी कि नाइट फॉल कंडीशन। नाइट फॉल के और डिफरेंट बहुत सारे इसके कॉज हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके कारण और होम्योपैथिक मेडिसिन की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अश्वगंधा विप्सम भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जो नाइट फॉल होता है स्वप्न दोष के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो पर्सन, वो एडल्ट जिनको ये नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, अगर वो इसको लेंगे तो उनके बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने वाली है उससे वो बचाएगा, उनके मेंटल पावर को भी स्ट्रांग करेगा और इसके साथ साथ फिजिकली पावर को भी वहाँ पे स्ट्रांग करने का काम करेगा।
सेवनल इमिशन में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ इम्पोटेंशन की कंडीशन जो है, यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में जो सक्षम नहीं हो पाते हैं, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव वहाँ पे साबित होती है। इस मेडिसिन का आपको जो उपयोग है ये मरे टिंचर फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि विप्सम अश्वगंधा का मरे टिंचर, इसके 10 ड्रॉप आप 3 टाइम अ डे ले सकते हैं, यानी कि एक दिन में 3 बार ठंडे पानी के साथ इस मेडिसिन को आपको प्रयोग करना है। ये वीडियो यहीं तक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।